दोस्तों, एक दिन का छोटा बच्चा यानी कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, आपको पता है उसको क्या खिलाया जाता है, क्या पिलाया जाता है? दोस्तों, उसको माँ के दूध के अलावा और कुछ भी खाने को रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता है। दोस्तों, ऐसा छोटा बच्चा जिसका भी नया नया जन्म हुआ है, आप उसको भी गुड़ खिला सकते हैं। दोस्तों, हमारे भारत में कहीं ऐसी जगहें हैं जहाँ पे अभी भी छोटे बच्चों को गुड़ खिलाया जाता है जब उनका जन्म होता है। दोस्तों, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा पौष्टिक, कितना फ़ायदेमंद, कितना ज़बरदस्त होता है गुड़ का सेवन करना। पुराने ज़माने में जो हमारे दादा परदादा लोग होते थे, वो बुढ़ापे में कुछ भी खाते नहीं थे, जैसे कि चपाती हो गया, सब्जी हो गया, है ना, ये सब चीज़ें नहीं खाते थे, पूरे दिन गुड़ चबाते रहते थे। तो दोस्तों, बहुत ही गहरे कारण थे गुड़ चबाने के, इतने बेहतरीन फायदे होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और ऊपर से अगर उसके गर्म यानी कि हल्का गुनगुना पानी पी लिया जाए सुबह खाली पेट उठ के, तो बात ही क्या है फिर। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में अष्टांग हृदयम, जो कि हमारी आयुर्वेद की किताब है, जो कि वाग्भट ऋषि ने आज से हजारों साल पहले लिखी थी, उसकी जानकारी देने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना, हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन घंटे को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, उसको सिलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं डेली रोजाना नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, आप तुरंत देख सकें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गुड़ के फायदे बताने से पहले सबसे ज्यादा ये आवश्यक है कि आपको गुड़ कौन सा लेके आना है मार्केट से। दोस्तों, आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, जो तांबे के कलर का कॉपर जो वेसल होती है, तांबे का बर्तन होता है, उसके कलर का डार्क ब्राउन कलर का जो गुड़ होता है, आपको वो लेके आना। आप अपने स्क्रीन में जो अभी ये फोटो देख रहे हैं पीले रंग का गुड़, ये दोस्तों जहर होता है, जहर, इसको कभी भी गलती से भी खरीद के ना लाएं, सेवन ना करें, तो ब्राउन वाला गुड़ लेके आना है आपको। चलिए बात करते हैं फायदों के बारे में और सही तरीका क्या है सेवन करने का। दोस्तों, अगर हम सुबह खाली पेट उठ के इतना सा गुड़ का टुकड़ा, आप देख सकते हैं स्क्रीन में कितना सा गुड़ का टुकड़ा एक गिलास हल्के गुनगुने पानी के साथ सुबह उठते साथ ही सेवन करते हैं, तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं। देखिए, गुड़ के अंदर फॉस्फोरस कंटेंट बहुत ही भरपूर मात्रा में होता है। जो चीनी होती है यानी कि जो शुगर होती है, सफ़ेद चीनी होती है, जो दोस्तों उसका सेवन इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि गुड़ बनाने का तरीका और चीनी बनाने के तरीके में यही फ़र्क होता है, दोनों गन्ने से ही बनते हैं, लेकिन चीनी के बीच में से फॉस्फोरस कंटेंट को बाहर निकाल दिया जाता है। अब फॉस्फोरस कंटेंट की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, आपका जो ब्लड होता है, खून होता है, उसकी शुद्धि होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी रोग होते हैं, डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, थायराइड हो गया, चेहरे पे ग्लो ना रहना, पिंपल्स होना, दाग धब्बे होना, स्किन डिजीजेस होना, वो सभी खून की खराबी की वजह से होते हैं। ये जानना बहुत ही आवश्यक है, यानी कि 148 बीमारियां अगर आपका खून खराब रहता है तभी आपको होती हैं। तो दोस्तों, फॉस्फोरस कंटेंट जो गुड़ के अंदर भरपूर मात्रा में होता है, वो खून को एल्कलाइन बना देता है। अगर उसमें एसिडिक कंटेंट, आपके ब्लड के अंदर एसिडिक कंटेंट ज़्यादा मात्रा में होगा, तभी आपको रक्त की अशुद्धि होती है। रक्त की शुद्धि करने के लिए यानी कि रक्त को, ब्लड को प्योर करने के लिए आपको एल्कलाइन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, बहुत ही फायदेमंद होता है रक्त शुद्धि करने के लिए सुबह उठ के। लेकिन एक छोटी सी बात का ध्यान रखें, जिनका इंसुलिन बहुत ज़्यादा स्पाइक होता है, जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी है, उनको गुड़ का सेवन नहीं करना है दोस्तों। दोस्तों, उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में और कोई दूसरा विकल्प बताने वाला हूँ। चलिए बात करते हैं अगले बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि सर, हम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, 10-10 रोटी खा लेते हैं, लेकिन हमारे शरीर में भोजन लगता ही नहीं है। और कई लोग कैसे होते हैं कि सर, हम तो एक रोटी खाते हैं फिर भी इतना मोटापा बढ़ गया, हमारे शरीर में चर्बी बढ़ गई है। ये सब कारण होता है मेटाबोलिज्म की खराबी, इम्बैलेंस हो जाना मेटाबोलिज्म का। दोस्तों, गुड़ का अगर आप सुबह उठ के खाली पेट सेवन करेंगे हल्के गुनगुने पानी के साथ, तो आपका मेटाबोलिज्म बैलेंस करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। साथ में आप कुछ भी खाएंगे, आपके शरीर में उसको लगाने में उसके जो पोषक तत्व होते हैं, मान लीजिए आप सब्जी खा रहे हैं लेकिन मान लीजिए आपका पेट ही उसको पचा नहीं पाता, तो कुछ भी पोषक तत्व आपके खून के अंदर नहीं जाने वाला, आपके शरीर को उसका पोषक तत्व नहीं लगने वाला। लेकिन गुड़ क्या करता है, सभी चीजों को डाइजेस्ट करने में बहुत ही जल्दी मदद करता है, तो ये इसका दूसरा बेनिफिट था। चलिए बात करते हैं अगले बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, अगर आपके चेहरे पे चमक नहीं रहती है, आपको झुर्रियाँ पड़ गई हैं चेहरे पे, पिंपल्स हो गए हैं, दाग धब्बे हो गए हैं, आंखों के नीचे काले घेरे हो चुके हैं, उसके बाद बुढ़ापा अगर आपको लगता है कि हमें जल्दी आ रहा है, यानी कि अभी 20-25 साल की उम्र आपकी हुई है लेकिन दिखते हैं 30-35 के, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है, काफ़ी एंटी एजिंग होता है जैगरी का यानी कि गुड़ का सेवन करना सुबह खाली पेट उठ के हल्के गुनगुने पानी के साथ में। चलिए बात करते हैं अगले बेनिफिट के बारे में।
दोस्तों, अगर आपके अंदर कमजोरी बहुत ज्यादा रहती है, थकान बहुत ज्यादा रहती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, आपको आलसपन बहुत ज्यादा रहता है, हाथों में, पैरों में, कमर में, जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होता है ना, कुछ भी मतलब जिंदगी ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं है, जिंदगी में बचा ही नहीं है, और बहुत ही ज्यादा दरिद्र महसूस होता है अंदर से, तो काफी अच्छा होता है सुबह उठ के आप गुड़ के साथ में हल्के गुनगुने पानी का सेवन करें। कितना लेना, मैंने पहले भी बताया, इतनी मात्रा में, यानी कि 3 से 4 ग्राम बहुत ही ज्यादा हो जाता है। इससे क्या होगा, ताकत बढ़ेगी अंदर, शारीरिक ताकत बढ़ेगी, कमजोरी दूर होगी, दुर्बलता दूर होगी, जोश आएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आई होप कि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्या पता किसी आपके मित्र को जानकारी ये आवश्यक पड़ जाए, उसको कुछ मदद हो जाए।